उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आज दरभंगा जिला में हूं और आपको बता दूं कि हनुमान नगर प्रखंड है। खासकर सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि हनुमान नगर प्रखंड में सिरनिया गांव है पीछे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं वहीं पे जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात बता दूं कि यहां पर 6 नाव सरकार की तरफ से दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत है लोगों के लिए, क्योंकि सैकड़ों लोग जिनका रोजमर्रा का काम है यहाँ पर, या है मार्केट में काम करने जा रहे हों, या मार्केटिंग करने जा रहे हों, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ट्यूशन क्लास जाना हो, तो इनके लिए 6 नाव दिया गया है। जो लोग यहाँ से इस गांव से होकर बांध पर जाते हैं, बांध से होकर कहीं दूसरे जगह जाते हैं। ये हनुमान नगर प्रखंड है जहाँ से मैं विशेष कवरेज दिखा रहा हूँ। कल कलेक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि हनुमान नगर प्रखंड जो है ज़्यादा प्रभावित है। आप देखते हैं आगे की गाँव का हाल क्या है, लोगों से जानते हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं विशेष कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग। आप देख रहे हैं भारत उदय समाचार पर। शेयर और सब्सक्राइब। के लिए रोड से आ रहे थे जी जी, तो पानी इतना है जो हम लोग को बहुत ही दिक्कत परेशानी होता है हिल के आने में। तो बाढ़ का पानी है, कौन सा गांव है ये? पश्चिम बारिश है, सिरनिया पश्चिमी है। सिरनिया पश्चिमी है। अच्छा, प्रत्येक वर्ष यहाँ पे पानी आ जाता है कि इसी वर्ष आया है? हर वर्ष आ जाता है, जब भी पानी आता है तो हमारे घर में भी घुस जाता है। घर में भी घुस जाता है, बहुत दिक्कत होती है। नाम हुआ आपका? मोहम्मद निशार। आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? पानी इतना आ चुका है, क्या लग रहा है, पानी बढ़ रहा है? पानी तो बिल्कुल बढ़ ही रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हर साल का है, ये हर साल आता है। जब भी बाढ़ आता है तो हर साल ये पानी आता है, और हम लोगों को बहुत काफ़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। ये नदी के पेट में ही घर बना हुआ है? जी जी बिल्कुल, नदी के पेट में ही है, तो बाढ़ तो आएगा ही अगर आता है तो। बिल्कुल नदी के बगल। आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई राहत मिल रही है? कोई राहत हम लोग को सरकार की तरफ से नहीं मिली है। अभी जो फिलहाल जो मिली है वो 6,000 रुपये करके मिला है। मिल गया जी, वो 6,000 रुपये हम लोगों को मिला है, और उसके बाद कोई अभी राहत नहीं मिली। तो वो पन्नी उन्नी भी बंटवारा चल रहा है और काम चल रहा है उसके ऊपर। तो जो नाव दिया गया है, ये तो नाव का भी राहत है, कितना नाव दिया गया? ये लगभग नाव सर इतनी दूर में जो है ये लगभग 6 नाव है। 6 नाव है? 6 नाव है। तो कितने लोग डेली जाते होंगे यहाँ से, नाव से? यहाँ से कितने कम तो 500-700 लोग से ज़्यादा जाते हैं। जाते हैं और आते हैं? हाँ, जाना आना है। जाना आना है। जी जी। कौन सा गाँव है ये? ये मोहम्मदपुर सिरनिया हुआ। मोहम्मदपुर सिरनिया। सिरनिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मछली आ रहा है। चलो चलो मोबाइल बचलो रे, मोबाइल बचला, देख ले, खोल खाल के देख खबर। ये है सिरनिया, देख सकते हैं सिरनिया बांध। खासकर आपको बता दें कुछ दिन पहले तक यहाँ पर कुछ भी पानी नहीं था, अब यहाँ पर पूरा पानी भर चुका है। तो जो 6 नंबर वार्ड है, लोगों को वहाँ पर नाव के सहारा से ही जाना पड़ता है। और देख सकते हैं यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 5 लगभग 6 नाव है, 6 से 7 नाव है, जिसमें 2 नाव सरकारी बताया जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा नाव है जो लगाया गया। देख सकते हैं ये सिरनिया का बांध है। आपको और विशेष कवरेज दिखाएंगे, लेकिन भारत उदय समाचार को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। कितना हल्ला है निशा, इधर से पहले सटाया।